लगा है, रिश्वतखोरी के चार्जेस लगा है, डेड बॉडी की तस्करी करते तो उसके चार्जेस लगा। फिर उनको डॉक्टरों ने मारने के लिए दौड़ाया, 3 किलोमीटर तक उनको दौड़ाया था। बायोमेडिकल वेस्ट का रिसाइकलिंग होता था उसके चार्जेस लगा है, छात्रों को फेल कराने के चार्जेस लगाए हैं, इलीगल तरीके से गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को देते थे वो बगैर टेंडर के, किसी को दे दिया जैसे चाय की स्टॉल के लिए, खाने पीने का स्टॉल, सुलभ शौचालय के लिए, इस तरीके से उसको वो दबा देते थे, ट्रांसफर कर देते थे, धमकाते थे, टॉर्चर करते थे। कई स्टूडेंट का इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उनका आज तक इंटर्नशिप कम्प्लीशन नहीं हुआ, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं एक होने के बावजूद गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। देश भर में आजकल मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है, सड़क से लेकर संसद और सभी बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के सभी लोग इसमें कूद पड़े। सभी हमारे डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई आजकल अस्पताल में, उसकी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और सबकी छुई जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, आज उसी को लेकर कई खुलासे करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अख्तर अली, जो कि आजकल अस्पताल के एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने इस अस्पताल में 16 साल बिताए हैं, मगर उन्हें तो क्या मिला, उन्हें उनका दो बार तबादला किया गया। और भी वो संदीप घोष से जुड़े कई जो है खुलासे करने वाले, चलिए उसे खुद जानते हैं। सर, आपने बहुत कुछ बातें बताई संदीप घोष के बारे में, डेड बॉडी के रैकेट चलता था और भी यहाँ पे जो है छात्रों के साथ वो शराब का सेवन करते थे। जी जी, क्या है बताइए। देखिए, ये जनवरी 2021 में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद से इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। इनके ज्वाइन करने से पहले ये मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा था और ईस्टर्न इंडिया का एक नंबर कॉलेज था। सबसे पहले इन्होंने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको फेल करवाना शुरू किया, फिर अपना एक छात्रों का ग्रुप बनाया, उनके जरिए उन लोगों से पैसा वसूलते थे जिनको फेल करवाया जाता था। इसके कुछ डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उनको घिराव भी किया गया और ये आंदोलन लगभग 1 महीने चला। फिर उनको डॉक्टरों ने मारने के लिए दौड़ाया, 3 किलोमीटर तक उनको दौड़ाया था और वो भागे, फिर पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया था, मगर इतना होने के बावजूद गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उनका पर्दाफाश मैंने किया था बायोमेडिकल वेस्ट का स्कैम में, TV9 बोल के एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने लाइव भी दिखाया था, वीडियो भी दिखाए थे और मैंने विजिलेंस कमीशन में रिपोर्ट भी किया था। जब मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया तो जिस दिन मैंने सबमिट किया मेरा तबादला हो गया, जो मेंबर थे और 2 मेंबर उनका तबादला हो गया। तो ये इतने रसूख वाले थे कि इनके अगेंस्ट में जो भी आवाज़ उठता था उसको वो दबा देते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे, धमकाते थे, टॉर्चर करते थे। कई स्टूडेंट का इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उनका आज तक इंटर्नशिप कम्प्लीशन नहीं हुआ, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं पिछले एक साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुँह से चिल्ला रहा हूँ, मैंने लिखित कंप्लेन दिए, मैंने डॉक्यूमेंट दिए, मैंने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, उसको मैंने मीडिया को पेश किया, मीडिया ने उनको टेलीकास्ट भी किया, उन्होंने दिखाया भी, फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मेरे इस कंप्लेन के बेसिस पे सिट कमेटी एक गठन हुई है और वो सिट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के होम डिपार्टमेंट में से ने किया है, उसमें आला अधिकारी IPS रैंक के हैं और उन्होंने अपना इंक्वायरी शुरू किया। 2 दिन पहले रात में गया था ताला पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट में FIR करने, लेकिन उन्होंने FIR नहीं लिया। तो कल मैंने इनके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल केस फाइल किया है, आज उसकी हियरिंग है। मैं चाहता हूं कि उनके साथ जो आप सर क्या क्या आरोप है, देखिए ये तो काफी लंबा लिस्ट है, कम वक्त में बोलना मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप मेरा वो FIR का कॉपी जो है उसको फॉलो करें, जैसे करप्शन के चार्जेस लगा है, रिश्वतखोरी के चार्जेस लगा है, डेड बॉडी की तस्करी करते तो उसके चार्जेस लगा, बायोमेडिकल वेस्ट का रिसाइकलिंग होता था उसके चार्जेस लगा है, छात्रों को फेल कराने के चार्जेस लगा है, इलीगल तरीके से गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को देते थे वो बगैर टेंडर के, किसी को दे दिया जैसे चाय की स्टॉल के लिए, खाने पीने का स्टॉल, सुलभ शौचालय के लिए, इस तरीके से कैंटीन के लिए, तो काफ़ी सारे बहुत लंबी लिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि लीगल तरीके से इसकी छानबीन हो और उनको सजा मिले।
सर आपने बताया कि काफी पावरफुल थे, मगर इसके पीछे कौन था? क्योंकि ऐसे ही तो पावर नहीं मिल जाता, क्योंकि साल 2022 में भी एजिटेशन किया था स्टूडेंट इनके खिलाफ, जो भी मीडिया के सामने आया था वो खबर, और अभी इतनी बड़ी घटना घटी। उन्होंने जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने मृतिका के माता पिता को बताया कि आत्महत्या की है, फिर 3.5 घंटे के बाद बॉडी को सौंपा गया उनके परिजनों को, फिर FIR भी दर्ज करने में इतना लेट हुआ। और सबसे बड़ी बात जो कि सभी जानते हैं कि किसी जो पीड़िता होती है उनके पहचान को आप उजागर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो कहां से किसकी पावर, इनके पीछे कौन है? देखिए बहुत कुछ इनके अगेंस्ट में हुआ, रिटन कंप्लेन हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, मीडिया ने दिखाया, ये इस तरीके का आप जो बोल रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट में इनको 2 साल जेल हो जाता, इस केसेस में भी इनको जेल होना चाहिए 2 साल का, मगर ये तो आवाज अब आप उठाएंगे कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं तो आवाज उठा रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाना आपका काम है। आप लोग आवाज उठाइए, पुलिस स्टेशन से बोलिए कि आपने क्या किया, ये डेड बॉडी के अगेंस्ट में ताला PS में जब कंप्लेन हुआ आपने क्या एक्शन लिया, जब डेथ रजिस्टर गायब हो गया तो आपने क्या एक्शन लिया, इसका मुझे जवाब चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। 7-8 घंटों के अंदर वो खुद ही बोलते हैं कि प्रेस के सामने आके हम तो एकदम मजबूरन हम ये रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं, पर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर दिया जाता है उन्हें, और कहा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, वाइस प्रिंसिपल के तौर पे वो पहले वहां पे थे और उनके खिलाफ काफी चार्जेस लगे थे, फिर वही हॉस्पिटल उन्हें वापस से कैसे प्रिंसिपल के पद पे नियुक्त कर देती है? देखिए वो जब नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे, विजिलेंस में उसका फाइल था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उनके खिलाफ वहाँ के स्टाफ और डॉक्टरों ने भी कंप्लेन किया था, मगर फिर अफसोस के साथ कहता हूँ कि सब कुछ हुआ, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हर एंगल की हर बात की वहीं पर आती है कि एक्शन कुछ नहीं हुआ, तो बहुत कुछ हुआ मगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, और अभी चूंकि एक्शन नहीं हो रहा था इसलिए मजबूरन मुझे कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। आखिर सवाल सर, ये तो प्रोफेशनली वो कैसे है, उनके कृत्य कैसे अभी पूरी दुनिया जान रही है, मगर वो पर्सनली आपने बताया कि किस तरह से अपने पत्नी का जब उनका सीजर हुआ था तो उनको पैर से उन्होंने मारा था, और ये बात जो है आपको जिस इलाके में 12-7 के एक मल्लिक पाड़ा है आप वहाँ चले जाइए, और ये मैं नहीं बोलूंगा, वहाँ के जनता, वहाँ के रहने वाले, उनके नेबर, फिर उन्होंने वो अपना मकान को बेच दिया, उनकी बीवी जो है जब बच्चे को जन्म देती है तो 14 दिन का बच्चा था, उनका सीजर हुआ था, फिर वो उसके पेट में लात मार देते हैं, सीजर का सारा स्टिक टूट जाता है, वहाँ के लोग जो है उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत मतलब आपकी हिमाकत की दास देनी पड़ी कि जिस तरह से आप सामने आ रहे। तो ये थे अख्तर अली, जिन्होंने कई सारी कह सकते पोल पट्टी खोली है पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ, और इन्होंने हाईकोर्ट में मामला भी दर्ज किया, इन्हें लगातार इनके अनुसार धमकियां दी जा रही है क्योंकि इन्होंने इतने सारे राज खोले हैं जो इससे पहले लोगों के सामने नहीं आए थे। हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मेहनत जाया ना जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मैं पूनम कैमरा पर्सन आदित्य के साथ सुपर न्यूज़ 24।